नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जाते हैं वैक्सीनेशन की, क्योंकि वैक्सीनेशन के बारे में अनेकों लोगों के अनेकों फोन हमारे कंट्रोल रूम में आते हैं और मैं कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर हूं। अनेकों प्रश्न करते हैं कॉलर कि जी हम वैक्सीन लगवाएं, हमें क्या फायदा होगा, क्या वैक्सीन लगवाने से हमें कोरोना नहीं होगा, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद में हमें बुखार नहीं आएगा, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद हम सेफ रहेंगे, इस प्रकार के अनेकों प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, क्या सभी के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। तो साथियों, मेरा वीडियो ये आप देखते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है कि वैक्सीनेशन मैं बताने जा रहा हूँ बहुत साधारण भाषा में कि वैक्सीनेशन जो होता है एक सीट बेल्ट जो कार में आप चलते हैं या मोटरसाइकिल पर चलते हैं आप हेलमेट लगाते हैं। जब आप हेलमेट लगाते हैं और रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसने हेलमेट लगाया हुआ होता है उसकी मौत के जो चांसेस होते हैं वो 0.5% होते हैं साथियों। लेकिन जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता यदि उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो 50% मौत के चांसेस होते हैं। इसी प्रकार से फोर व्हीलर वाहन जो आप कार चलाते हैं, चाहे भले ही कितनी लग्जरियस गाड़ी हो, यदि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है और कहीं पर भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें मरने के चांस ज्यादा होते हैं। यदि सीट बेल्ट लगा रखी है तो बचने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार से जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है उनको कोरोना पॉजिटिव हो तो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन इतना वादा है कि उनके जो संक्रमण है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, फिर जब हम बातों करते हैं तो पूछते हैं कि सर वो डॉक्टर मर गया, उसने वैक्सीन लगवा रखी थी, वो नर्स मर गई, उसने वैक्सीन लगवा रखी थी, हमारे गांव के लोग हैं जो हमने देखे हैं जिन्होंने दोनों डोज लगा रखी थी वो भी मर गए। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पर 1-2% ऐसे केस होते हैं, लेकिन अधिकतम जो आपकी मात्रा है जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया हुआ है उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और रोगाणुओं से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाहर से आने वाला जो वायरस है उसको वो खत्म कर पाते हैं और आप ठीक रह पाते हैं। यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आपको फिर गुजरना पड़ेगा इस इन्फेक्शन से, क्योंकि ये कोरोना वायरस है, ये बाहर से आता है हाथ मिलाने से, गले मिलने से और किसी भीड़ का हिस्सा बनने से या किसी चीज को छूने से जहां पर यह वायरस मौजूद होता है। यदि आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो फिर इसमें आपको इसका नतीजा भुगतना ही होगा। यदि आप इसके बचना चाहते हैं तो आपको ये बताए हुए जो रास्ते हैं, सरकार की जो गाइडलाइन है, इनको फॉलो करना होगा और अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन कराना होगा। जिस दिन भारतवर्ष में 60-70% वैक्सीनेशन हो जाएगा, जब लोगों की हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी तो उस समय पर ये जो कोरोना की जो चैन है ये टूट जाएगी और लोग संक्रमित नहीं होंगे। मैं फिर अपील करता हूं साथियों कि चाहे 18 प्लस के हैं, चाहे वो 60 प्लस के हैं, सभी को हमें वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए कि अभी इसकी ट्रायल चल रही है और अभी इतनी जल्दी ये हो सकता है कि हमको मारने का कोई प्रावधान है। सरकार कभी ऐसा नहीं करती है, सरकार हमेशा बचाव पक्ष में करती है, जो भी लाती है लाइफ सेविंग के लिए लाती है। इसलिए आप इस पर गौर करें और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लगवाएं। इसके बाद में हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का बुखार आए, हो सकता है आपको वोमिटिंग हो जाए, हो सकता है आपके जहां पर ये टीका लगा हुआ वहां पर स्वेलिंग आ जाए, हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, सिर में दर्द हो जाए, ये सब चीजें स्वाभाविक है। ये हो सकता है 5-6 घंटे के बाद हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन के बाद हो जाए, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी विल पावर को मजबूत रखना है और जिनकी विल पावर मजबूत होती है उनके लिए बीमारी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन सब बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।